नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, इस वक्त हम लड्डू गोपाल मंदिर परिसर के बाहर खड़े हैं। जिस लड्डू गोपाल मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर को लेकर छतरपुर जिले के लोगों को यह इंतज़ार था कब यहाँ लड्डू गोपाल मंदिर में पहुँचेंगे। वह इंतज़ार भी अब ख़त्म हो गया और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस मंदिर को तैयार किया गया है और बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं। इस मंदिर की एक एक चीज़ हम आपको बताते हुए चलेंगे कि मंदिर छतरपुर का ये वह मंदिर बन गया है जो देश में कहीं नहीं बना है। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में लगभग 51 पिलर बनाए गए हैं और लगभग 51 फीट चौड़ाई है और 51 फीट ही इस मंदिर की लंबाई है। मंदिर में आपको हम सबसे बड़ी बात बताएंगे कि इस मंदिर को किस तरह से तैयार किया गया है। एक एक चीज़ हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, कैसा गुम्मट है, देख सकते हैं आप कैसा गुम्मट यहाँ तैयार किया गया है, कैसी डिजाइनें की गई हैं। अब हम सबसे बड़ी बात आपको बताने का प्रयास करेंगे कि छतरपुर ज़िले में अगर बात करें तो लड्डू गोपाल विराजमान होंगे इस मंदिर में, तो वह लड्डू गोपाल का जो साइज है लगभग 1 क्विंटल 11 किलो वजन होगा और उनका साइज 35 इंच का होगा। इसके पहले अलवर में, राजस्थान के अलवर में जो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी उसका साइज लगभग 7 किलो 26 इंच था। और इसके अलावा छतरपुर की बात करें तो इस बार छतरपुर में विश्व का रिकॉर्ड तोड़ ऐसा मंदिर बना दिया, लड्डू गोपाल की मूर्ति बनी है जो शायद इस पूरे विश्व में नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बताएं तो क्या है, 19 तारीख को नंदी बालाजी मंदिर परिसर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लेकर रथ में गाजे बाजे के साथ 84 कलश के साथ नगर भ्रमण करते हुए पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि चौक बाजार होते हुए, महलों होते हुए, डाकखाना चौराहा, कलेक्टर बंगला होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी आपको एक और विशेषता बता दें कि इस मंदिर में किसका कितना योगदान है। अगर बात करें योगदान की तो यहाँ सबसे बड़ी जो श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में लड्डू गोपाल मंदिर का काम की बात हो या फिर लड्डू गोपाल के लाने की बात हो, सब में श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में यह पूरा तैयारी की जा रही है। और आपको इस वक्त एक और बड़ी बात बताएंगे कि छतरपुर के जो लड्डू गोपाल मंदिर है वहाँ राधा कृष्ण की भी मूर्ति पहुँच चुकी है और उनका भी विराजमान किया जाएगा। वह मूर्ति हालांकि पहुँच चुकी है मंदिर परिसर में, मगर 19 तारीख को लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वह छतरपुर नंदी बालाजी मंदिर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगी और आपको गर्भगृह अब दिखाएंगे किस गर्भगृह में लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब अयोध्या में श्री राम विराजमान होंगे, रामलला का गर्भगृह में विराजमान होगा, ठीक उसी समय उसी घड़ी छतरपुर में लड्डू गोपाल को भी विराजमान किया जाएगा। इसी गर्भगृह में आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये वह गर्भगृह है जहां देश की सबसे बड़ी मूर्ति लड्डू गोपाल की विराजमान होगी और ठीक पीछे राधा कृष्ण की भी मूर्ति का विराजमान होंगे। और यहां सबसे बड़ी बात एक और बताएंगे हम आपको, यह जो गर्भगृह है उसको आप देख सकते किस तरह से तैयार कर दिया गया है और जो भी काम बचा है वह 22 तारीख के पहले पूर्ण कर दिया जाएगा। और यहाँ जब भगवान राम का वहाँ जश्न मनेगा अयोध्या में जब विराजमान होंगे, ठीक उसी तरह छतरपुर में जब लड्डू गोपाल विराजमान होंगे तो छतरपुर में भी एक बड़ा उत्साह होगा लोगों में। क्योंकि यहाँ का जो लोगों की इच्छा थी कि यहाँ कब लड्डू गोपाल विराजमान होंगे, कब मंदिर बनकर तैयार होगा, तो मंदिर भी तैयार हो गया, गर्भगृह भी तैयार हो गया, लड्डू गोपाल भी तैयार हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब 22 तारीख का इंतजार होगा कब विराजमान होंगे यहाँ लड्डू गोपाल इस मंदिर पर। सबसे अहम भूमिका है इस मंदिर में लड्डू गोपाल को बनवाने की बात हो या मंदिर में अन्य कामों की बात हो, तो यहाँ के पूर्व विधायक रहे आलोक चतुर्वेदी की भी यहाँ से अहम भूमिका रही है और वह भी इस मंदिर को बनवाने में अहम भूमिका अपनी कहीं ना कहीं अदा की है।
वह भी यहाँ रहेंगे और श्री राम सेवा समिति के राकेश जो है वो भी अध्यक्ष हैं, वह भी राकेश जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें सिर्फ इंतजार है अब 22 तारीख का, छतरपुर के लोगों को इंतजार रहेगा कि विराजमान 22 तारीख को अब अयोध्या का राम का जश्न मनाएंगे, जब अयोध्या में राम लला विराजमान होंगे और छतरपुर में लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।